आज की रेसिपी में हम चिकन करी बनाएंगे। घर में तैयार किए हुए मसाले से ग्रेवी वाली चिकन करी बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कुकिंग विद संगीता में। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 2 kg चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से 2-3 पानी से साफ़ कर लिया है। मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस ही रखे हैं और अब हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिक्सिंग जार लिया है हमने, इसमें 4 गांठ लहसुन को छील कर डाल देंगे। 2 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर हमने ले लिया है। 2 प्याज हमने काट कर ले ली है बड़े साइज में। 2 टेबल स्पून धनिया हमने लिया है। 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और यहाँ पर थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसका हम बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। मसाले हमने तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल बारीकी से पीसा है हमने और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पर मीडियम फ्लेम पर हमने एक बड़े साइज का पैन लिया है। इसमें हमने 6 से 7 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे। थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता डालेंगे। इन खड़े मसालों को हम रोस्ट होने देंगे। फिर 6 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट हम प्याज को भून लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। सारे चिकन हमने इसमें डाल लिए हैं और अब हम इसे फिर फ्राई करेंगे थोड़ी देर। तो लगभग 5 से 7 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने अभी हाई कर दिया है क्योंकि चिकन की मात्रा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फ्लेम चाहिए तभी चिकन अच्छे से पकेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। थोड़ी देर हमने भून लिया है, लगभग 7 मिनट हमने भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने मसाले तैयार किए हैं इस मसाले को डाल देंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। फिर से हम इसे 10 से 15 मिनट और भूनेंगे क्योंकि मसालों को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। फ्लेम को हमने हाई ही रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा चिकन है, तो इसलिए हाई फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे, तभी ये अच्छे से भूनेंगे मसाले। हाई फ्लेम पर लगभग 14 से 15 मिनट हम इन्हें भूनेंगे लगातार चलाते हुए। मसाले लगभग भून गए हैं। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक लिया है। 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून चिकन मसाला डाल देंगे। इसके बाद इन्हें थोड़ी देर और भूनेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट तक। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है क्योंकि मसाले भून गए हैं, इसलिए फ्लेम को मीडियम कर लिया है हमने। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर लगभग 10 से 15 मिनट और हम पकाएंगे। लगभग 15 मिनट और पकाने के बाद गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, चिकन बनकर तैयार है।
एकदम बढ़िया ग्रेवी वाले चिकन बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इसे। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें इसे फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।